I turned 40 last year. Turning 40 has been amazing because I've realized Indian parents are not the right people to raise Indian kids. इनकी अपनी परवरिश ठीक नहीं हुई है. इनके अपने ही रोने बंद नहीं होते. आपकी फटी चादर में उंगली डाल के घुमाते रहते हैं. आप कमरे के लिए लाइट जलती छोड़ दो सेकंड. हम सातों भाई बहन लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ते थे. मैं तो क्या उखाड़ लिया. औलाद तो मेरी जैसी मिली. एसी खुला छोड़ दो सेकंड. हम सातों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे तो नाना जी को रोकना था. अगर आप सातों भाई बहन एक कमरे में सो रहे थे और नाना जी औलाद पैदा कर रहे थे तो नाना जी जादूगर भी थे. नाना जी नानी को देखते औलाद बाहर. I love Indian parents, man. They're just crazy. एक मेरे को समझ नहीं आता कि Indian parents का ना, I think Indian parents इसलिए औलाद करते कि नौकर महंगे हैं. Indian parents are very good at two things. One, अपनी औलाद की बेइज्जती करना और फिर ठुकाई करना. Like I still remember, you know, 12, 13 years of age, you hit puberty, you have this crush on a girl or a boy, you bring them home. आपके माँ बाप आपको कमरा और दरवाजा पूरा बंद नहीं करने देते. थोड़ा खुला छोड़ दो. भेड़ दे बस. And they will enter into your room a pretext of everything and anything. Puff, पानी पिएगा. मैं नहीं पीना पानी. दबा जाएगा से. चाय लाऊं. मैं नहीं. पप्पी का सीन मन रहा है यहाँ. खाना में दफा हो जाए यहाँ से. Then they will start yelling the most insulting shit from the other end of the house. ओए, तू उसके साथ बाहर जा रहा है? नहा के जाइयो आज. You just made the girl realize I don't take a bath every day. If this is enough, she'll escalate it. और तेरे कच्चे अलमारी में रखे कच्चे. No woman has ever dated a guy who's worn कच्चे. और फटे हुए कच्चे तो कभी मत पहनियो. And then she'll start yelling because as if not registered in your mind. She'll bring a फटा हुआ कच्चा. उंगली निकाल के उसे ये वाला कच्चा. इसका पोड़ा बनाना है. मैंने बिल्कुल मत पहन के जाइए. ये मैं निकल जाऊँ यहाँ से. 20 years ago there were no cell phones, so people used to call on landline, no? So one day my girlfriend called. She said, "Auntie, Jiveshu kahan?" कहती वो टट्टी करने गया. मैं उससे मिला डेट पे. कहती तुम्हारी टट्टी टट्टी क्या करते रहते हैं? Like any proud Indian son, Punjabi, I have to defend my mother even if she's wrong. I said, "Tumhare entertain nahi karte." I came back home and told my mother, "Mummy, tatti tooti na kara karo." We educated people. But Indian mothers have a very extreme reaction. Aaj ke baad, main kuch bolungi hi nahi. Two weeks later, she called again. I said, "Auntie, Jeevesh, you are lettering here." एक तो अपना पिछवाड़ा जहां मर्जी उठाओ काम रेडी रहता है. उठ के पंखा बंद कर दो. उठ के एसी बंद कर दो. मैं जिनकी औलाद ही नहीं उनके पंखे एसी ऑन ऑफ कौन करता है? और जब उठो ड्राइंग रूम के बीच में एक झूठी भूतनी वाली प्लेट पड़ी रहती है. पता नहीं कौन क्या खा के जाता है उस पर. उठो ये प्लेट रखाओ किचन में. आप किचन में रख के आते हो वापस एक ग्लास पानी पिला दे. मैं एक बार भी क्यों नहीं बोलता सुबह से एक काम बताया है. एक काम है. सांस ली सुबह से मैंने. अच्छा. एंड देन दे विल हैव एन एक्सट्रीम रिएक्शन टू एवरीथिंग. जिस दिन माँ चली जाएगी ना. मैं पानी गिलास को मौत से कैसे जोड़ दिया आपने? कुछ भी चल रहा है. आप एक तो एक्चुअली हम ना हरामी औलाद भी हैं. हम फ्रिज खोलते हैं पानी की एक बोतल होगी ठंडी. ये नहीं हम और भर के रख देते. नहीं नहीं हम उसी को खोल के पी के बाहर रख देते हैं. आपकी माँ आती है बोतल लेके. आपकी माँ को भी उसी टाइम प्यास लगेगी. वो फ्रिज खोलती एक भी बोतल नहीं है. वो बोतल कहा कि थोड़े मोगे थोड़े. अगर मैं पानी ना भरूँ ना इस घर में किसी को ठंडा पानी ना मिले. तुमने ना माँ को नौकर समझा हुआ है. मेरी मम्मी ऐसी बात है जिस दिन माँ चली जाएगी ना. मैं चल कह रहा है ये.